वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत चीन के साथ बातचीत के साथ, क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। पिछली बातचीत में यह सहमति बनी थी कि चीन अपने सैनिकों को पीछे ले जाएगा, लेकिन चीन ने वादा नहीं निभाया। आज की बातचीत में इसी पर चर्चा होने की उम्मीद है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार हुंकार के 2 दिन बाद आज थोड़ी देर में जब भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत शुरू होगी तो सबकी नजरें चुशूल पर टिकी होंगी। चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जमीन पर यही है वो जगह जहां दोनों देश के कोर कमांडर मौजूदा तनाव पर बातचीत करेंगे। ये पेंगोंग त्सो के टकराव वाले इलाके से करीब 20 किलोमीटर दूर है। पहली दो बातचीत मोल्डो में चीन की तरफ हुई थी। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे तो चीन के प्रतिनिधि मेजर जनरल लिन लियू होंगे। इस महीने की तीसरी बातचीत होगी। इससे पहले 6 जून और 22 जून को दोनों देश के बीच सैन्य बातचीत हुई थी। 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरी बातचीत है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 6 जून को जहां हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के जमावड़े पर बातचीत हुई थी, जबकि 22 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प का मुद्दा उठा था। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने पर सहमति जताई थी। आज की बातचीत में इन मुद्दों के अलावा पेंगोंग लेक समेत एलएसी के कई मोर्चों पर जारी टकराव की स्थिति पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो चुका है कि 22 जून की सहमति का चीन ने पूरी तरह पालन नहीं किया है। आज तक निकल आपको दिखाया था कि किस तरह गलवान नदी के किनारे चीनी सेना की गाड़ियां, जेसीबी मशीनें और कैंप मौजूद हैं, हालांकि चीनी सैनिक नहीं दिख रहे। क्या है एलएसी पर हालात, पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से सुनिए। आज हालत क्या है? हमारे सैनिक और चीन के सैनिक गलवान PP-14 पर, मैं पूरी गलवान नदी अगर बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, PP-14 पर आमने सामने है। इसी तरीके से कोंकाला का जो इलाका है इसके दक्षिण में, वहां पर हर साल उनके पेट्रोल आते हैं, हर साल हम उनको भगाते हैं। इस बार वो आकर बैठे हैं, हम भी वहां पर बैठे हैं। पेंगोंग सो के अंदर फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके में भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। और नीचे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने देमचौक के आसपास कुछ हरकत की है, वो भी हर साल करते हैं, वो वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आराम के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि तनाव के कैसे हालात हैं। बहरहाल बातचीत ऐसे हालात में हो सकती है जब भारत ने 59 चीनी ऐप को बैन कर एक संकेत दे दिया है कि चीन अगर पीछे नहीं हटा तो और क्या कुछ हो सकता है। शिव अरूर, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत पर ये खबर है कि बैठक में सिर्फ तनातनी वाले इलाकों पर बात नहीं होगी, यानी कि सिर्फ गलवान या फिर पेंगोंग पर ही बात नहीं होगी, बल्कि एलएसी पर तनाव जो जारी है उस पर भी बातचीत की जाएगी। 2 जून की बैठक में पारित प्रस्ताव पर दोनों पक्ष आगे बात करेंगे और कोशिश यही होगी कि सीमा पर तनाव कम करने के तरीकों पर बात आगे बढ़ सके। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता सीधे लेह लद्दाख से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज की बातचीत का अहम मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है? सिर्फ एलएसी पर तनातनी नहीं बल्कि कई सारे और अहम मुद्दे भी यहां पर टच किए जाएंगे इस मीटिंग में। जी नेहा, अब जो बातचीत है ये सिर्फ पेंगोंग या फिर गलवान जो पहले दो बड़े तनाव के क्षेत्र बने हुए थे उन पर सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन ने बहुत सारे और इलाकों में सेक्टर्स में भी स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बदलने की कोशिश की। इसके चलते भारत की तरफ से यही बात रखी जाएगी कि कुछ और इलाके जो हैं जैसे कि गोगरा, डेमचौक, चुमार,
टेपसांग, जहां पे बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो चुका है और दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हुए हैं। कुछ ही मीटर दूर एलएसी पर उन पर भी बातचीत की जाएगी और यही कोशिश होगी कि कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, यही हमको सूत्रों ने बताया है। क्योंकि पिछली बार जब बातचीत हुई थी 22 जून को, तो ये निर्णय लिया गया था कि 2 से 3 किलोमीटर तक पीछे हट जाएंगे दोनों तरफ के सैनिक, ताकि कि ये आमने सामने वाली स्थिति ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 22 जून से लेकिन अब तक कभी करीब एक हफ्ता हो गया है, देखा गया है कि कुछ और सेक्टर्स में भी उस तरह का तनाव पूर्ण स्थिति बन गई है। तो यही कोशिश होगी कि इस स्थिति को कैसे निपटा जाए, इससे कैसे निपटा जाए और कैसे जो है स्टेबलाइज किया जाए पूरे ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर को। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देश के नाम संबोधन होना है आज प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन इससे पहले चीन को सख्त संदेश भेज दिया गया है। मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज एप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इन एप्स को देश की सुरक्षा पर खतरा बताया है। कैम स्कैनर, मोदी सरकार ने चीन के ऐसे 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। गलवान में 20 भारतीय जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार चीन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि इनको तुरंत अपने मोबाइल से हटा दें। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। सरकार के फैसले की जद में जो चीनी ऐप आए हैं उनमें टिकटॉक, हेलो, वीगो, लाइकी, शेयर इट, एक्सेंडर, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, सेल्फी सिटी, वायरस क्लीनर, सीएम ब्राउजर, यूकैम मैप, वी चैट शामिल है। भारत सरकार द्वारा अभी 59 चाइनीज ऐप को जो प्रतिबंध लगाया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किए गए। चीनी ऐप्स को बैन करने की भारत सरकार ने 7 वजहें बताई हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन किया गया है। इनसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा बताया गया है। ऐप्स के जरिए 130 करोड़ भारतीयों के डेटा की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा था। इन ऐप से लोगों की प्राइवेसी को खतरा बताया गया है। संसद के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। सरकार के इस कदम की चौतरफा तारीफ हो रही है। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने भारत सरकार के कदम की खुली तारीफ की है। हालांकि पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा की बड़ी हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रहित में साहसिक कदम, आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम की तरफ एक कदम, ये भारतीय उद्यमियों को आगे आने के लिए और देश के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप निर्माण का समय है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चीनी ऐप्स पर बैन की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है कि मैंने संसद में चीनी मोबाइल ऐप्स के खतरे का मुद्दा उठाया था। मैं मंत्रालय से बैन के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। साथ ही मैं देश के लिए अधिक सुरक्षित वैकल्पिक सेवाओं का सुझाव और प्रचार करने के लिए भी कहूंगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने बैन लगाने में देर कर दी। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया होगा, कई निर्णय ले भी रही है और इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया। चीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहाँ किसी भी ऐप को चलने की इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ वो चाहता है कि उसके ऐप पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि अब चीन की मनमानी किसी हाल में नहीं चलेगी। हर मोर्चे पर उसे जैसे को तैसे का जवाब दिया जाएगा। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं चीनी ऐप्स पर बैन करने का फैसला एक बड़ा संकेत है चीन के लिए कि अगर एलएसी पर उसकी हिमाकत यूं ही जारी रही तो भारत और सख्त कदम उठा सकता है। दरअसल आज के दौर में किसी देश को सबक सिखाने का बड़ा हथियार है उसको आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन के साथ कई टेंडर को रद्द कर दिया है। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। देश की जनता का गुस्सा चीन के सामान के खिलाफ सड़कों पर दिख रहा है। वहीं सरकार ने भी अपने स्तर पर चीन को झटका देने की तैयारी कर ली। दुनिया में आर्थिक शक्ति बनने का चीन का सपना भारत के बगैर अधूरा है, लेकिन चालबाज चीन की फितरत ऐसी है कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। ऐसे में भारत ने चीन की उस थाली को ही छीनने का फैसला कर लिया है। सरकार एक के बाद एक चीन को आर्थिक झटके दे रही है। आपको चीन के बहिष्कार की पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें चीन को कहां कहां और किस मोर्चे पर सबक सिखा रही है। MTNL और BSNL ने 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। MMRDA ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की दो कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया। MMRDA ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी है। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हेंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए। यूपी सरकार ने तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी सरकार ने तय किया है कि सूबे में चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि होटलों में चीनी नागरिकों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। बोधगया होटल एसोसिएशन ने भी चीनी पर्यटकों का बहिष्कार किया है। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो रही है। फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान का इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं, तो क्या हम उन इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। चीन के खिलाफ ये आर्थिक लड़ाई ड्रैगन को कितनी गहरी चोट देने वाली है उसे समझना भी जरूरी है। चीन से भारत जो सामान आयात करता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान है। हम चीन से करीब 34% इलेक्ट्रिक सामान मंगाते हैं। इलेक्ट्रिक सामानों के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी चीन से मंगाई जाती है, ये करीब 18% है। चीन से हम 10% ऑर्गेनिक केमिकल्स मंगाते हैं, करीब 6% माणिक और जेवरात मंगाते हैं, लोहा और इस्पात करीब 4% मंगाते हैं। चीन से हम 4% प्लास्टिक के सामान मंगाते हैं, जबकि बाकी के अन्य 24% सामान है जो हम चीन से मंगाते हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने चीन से $507 अरब का आयात किया था। इसमें चीन की हिस्सेदारी 14% यानी $73 अरब थी। हिंदुस्तान से अपनी दुकान चलाने वाला चीन सीमा पर बुरी नजर रखता है। सीमा पर देश के बहादुर जवान चीन को जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं, तो देश के अंदर अब चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छिड़ गया है जो चीन की कमर तोड़ने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है। बीती रात लगभग 12:30 बजे होटल ताज को उड़ाने की धमकी कॉल के जरिए पाकिस्तान से आई है। होटल कुलाबा और ताज लैंड एंड को भी उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि इस धमकी की पुष्टि की जा रही है कि ये कॉल कहां से आ रहा है, नंबर ट्रेस किया जा रहा है, तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दिव्येश, क्या जानकारी मिल रही है इस कॉल के बारे में? होक्स कॉल है या फिर इसको ट्रेस कर लिया गया है? कहां से इसके तार जुड़ रहे हैं? नेहा, अब बता दें आपको कि ये होक्स कॉल नहीं है। ऐसी दो कॉल्स आई थी, एक ताजमहल पैलेस होटल जो कुलाबा में है जहां पर 26 नवंबर 2008 को भी हमला हुआ था, और एक ताज लैंड एंड नाम का जो होटल है जो बांद्रा में स्थित है वहां पर भी एक कॉल आई थी। दोनों ही कॉल्स में पाकिस्तान का नंबर इस्तेमाल हुआ था और इन कॉल्स ने ये आगाह किया कॉल रिसीव करने वाले होटल स्टाफ को कि दोनों ही होटल्स पर हमला किया जाएगा। हम लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहे हैं,
पाकिस्तान से बोल रहे हैं और दोनों होटल्स को पहले भी जैसे 26/11 के समय ताजमहल पैलेस कुलाबा पर हमला किया गया था उसी तरीके का हमला हम फिर से करने वाले हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने अब जो भी सिक्योरिटी है वो पूरी बीफअप कर दी है। ताजमहल होटल बांद्रा और ताजमहल पैलेस कुलाबा के आसपास का इलाका जो है उसे बीफअप कर दिया गया है। वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी लगाई गई है। वहां पर हर एक गाड़ी जो आ जा रही है उसे चेक किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका देवेश। तो चीन से ऐसे समय में बातचीत हो रही है जब भारत ने ड्रैगन को सख्त संदेश देते हुए 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे चीन की आर्थिक घेराबंदी करने का प्लान है। लेकिन उससे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि आज 4 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 4 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन देश के नाम होगा। सबकी निगाहें संबोधन पर टिकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस बात पर गौर करना होगा। क्या पीएम चीन को आज सख्त संदेश देंगे या फिर पीएम मोदी चीनी एप्स बंद करने को लेकर इस संबोधन में कुछ बोलेंगे या फिर देश में कोरोना केसेस में अचानक आई तेजी पर चर्चा की जाएगी। लॉकडाउन 1 आज खत्म हो रहा है, कल से लॉकडाउन 2 की शुरुआत होगी। क्या पीएम मोदी इस पर रोशनी डालेंगे? तमाम चीजें अभी कयास का विषय बनी हुई है, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखा दें कि कैसे कोरोना काल शुरू होने के बाद कब का प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया है। 19 मार्च जनता कर्फ्यू का ऐलान, लॉकडाउन 1 का ऐलान 24 मार्च को, 3 अप्रैल की अगर बात कर लें तो 3 अप्रैल को कोरोना योद्धाओं का सम्मान देने की बात कही थी। वहीं लॉकडाउन 2 का ऐलान किया गया था 14 अप्रैल 2020 को। आज क्या कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई के बाद, ये इस वक्त कयास का विषय है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है चीन के विषय पर प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करें। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। देश दो दो मोर्चे पर लड़ रहा है, सरहद पर संकट है तो अंदर संक्रमण, इसी पर चीन चालबाजी दिखा रहा है। पूरे देश में कोरोना महामारी की रफ्तार डरा रही है। इस संकट और संक्रमण काल में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज चीन पर भी बोलेंगे और कोरोना पर अपना प्लान बताएंगे। चीन की दगाबाजी पर प्रधानमंत्री अपनी मन की बात रख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। चीन पर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री पहली बार चीन पर खुलकर बोले थे। 20 जवानों की शहादत को याद करते हुए पीएम ने तब कहा था कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। एलएसी पर अब भी तनाव है, मोर्चे पर सेना तैनात है तो बातचीत का चैनल भी खुला है। लेकिन संबोधन से ठीक पहले भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर बता दिया कि हिंदुस्तान दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। सरकार ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अपने संबोधन में चीन पर और चोट करेंगे, क्या चीनी टेंडर भी रद्द होगा? सभी देशवासियों को देश की जंग कोरोना के खिलाफ भी है। प्रधानमंत्री कोरोना काल में अब तक 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का पहला संबोधन 19 मार्च को हुआ था जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। फिर 24 मार्च को पीएम ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की। 3 अप्रैल को कोरोना का अंधकार भगाने के लिए उन्होंने दीप जलाने की अपील की। बाद में उन्होंने ही लॉकडाउन 2 और 4 का ऐलान किया। सभी पर बल दिया गया, हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ
कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दो गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। आज देश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, कुल के 5.5 लाख को पार कर गया। दिल्ली मुंबई का हाल बेहाल है, दिल्ली में तो केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा, गृह मंत्री को कोरोना की कमान संभालनी पड़ी। कोरोना के खिलाफ जंग लंबी है, प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कि अब तक दो गज की दूरी और मास्क या फेस कवर ही दवाई है, फिर 1 जुलाई से अनलॉक 2 भी लागू हो रहा है। ऐसे में सबकी नजर प्रधानमंत्री के आज के संबोधन पर है। आखिर देश क्या करें, कोरोना पर कैसे काबू पाए, कोरोना की मार से देश त्रस्त है, कारोबार चौपट हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक लंबा अंतराल रहा है प्रधानमंत्री के पिछले संबोधन और इस संबोधन के बीच, ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, चीन इस संबोधन में शामिल हो सकता है, या फिर जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर बातें कही जाएंगी, या फिर अनलॉक 2 की शुरुआत होगी उसमें किस तरह की रियायतें होंगी, क्या कुछ आज सम्मिलित होने वाला है प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन होने वाला है ये अनलॉक 2 को लेकर होगा। इसमें प्रधानमंत्री दिशा निर्देश देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी करना है, कोविड के लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन सबको फॉलो तो करना है लेकिन हमको आगे भी बढ़ना है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर किस तरीके से हमको आगे आना है और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना होगा, वोकल के लिए हमको लोकल के लिए हमको वोकल होना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि आज कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल उन्होंने 59 चाइनीज ऐप को सरकार ने बंद कर दिया है और अब अगर चाइनीज ऐप्स को बंद किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से नई शुरुआत की जा सकती है। और इशारा ही इशारों के अंदर ये बात हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने करने के लिए जाने जाते हैं, वो इशारों इशारों में चीन को जो है ये भी बता देंगे कि भारत की आगे की मंशा क्या है। अगर इसी तरीके के हालात सीमा पर LAC पर चीन के साथ बने रहे तो भारत आगे किस तरीके से एक के बाद एक कदम उठाता जाएगा और चीन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता जाएगा। चीन ये जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इलेक्ट्रिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और रॉ मटेरियल के लिए भारत चीन के लिए बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि हब रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संकेत भी दे दिए गए हैं और हर बार ऑल पार्टी मीटिंग से उन्होंने संकेत देने शुरू किए थे और आप याद कीजिए उन्होंने कहा था कि शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी और उसके बाद कल उन्होंने ये भी मन की बात के अंदर ये कहा था कि हम किसी को जो है दोस्ती निभाते भी हैं लेकिन कोई अगर हमारी तरफ देखता है तो फिर हम उसको आंख में आंख डालकर जो है वो जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज 4 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होना और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। बात कोरोना संकट की करेंगे। देश में अनलॉक 1 आज खत्म हो रहा है और कल यानी कि 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत होगी जो 31 जुलाई तक चलेगा। अनलॉक 2 को लेकर कल विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई, देखिए कैसा होगा अनलॉक 2 का स्वरूप। कोरोना संकट से देश की आगे की लड़ाई कैसी होगी इसका खाका सामने आ चुका है। अनलॉक 1 की मियाद आज खत्म हो रही है और सोमवार रात को ही अनलॉक 2 के नियम कायदे जारी कर दिए गए। सबसे पहले अनलॉक 2 की बड़ी बातें समझ लीजिए। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होगा। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने की मनाही। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन। अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी वो तमाम जगहों के खुलने पर बैन बरकरार है जहां भीड़ भाड़ जुट सकती है, लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक 2 के नियमों में भी कोई ढील नहीं दी गई है। क्या क्या बंद रहेगा देखिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा घर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार, एंटरटेनमेंट हॉल, ऑडिटोरियम भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी लेकिन भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है।
लिहाजा सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बनी रहेंगी, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे, खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा। अनलॉक टू के बारे में लोगों की शंका का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। इससे पहले कोरोना काल में पीएम मोदी 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। इसमें 19 मार्च को जनता कर्फ्यू के ऐलान से लेकर आखिरी बार 12 मई को कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान शामिल है। ऐसे में आज पीएम कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इस पर पूरे देश की नजर है। बड़ी बात यह है कि देश में इस वक्त औसतन 20,000 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि रोजाना मौत का आंकड़ा 400 के आसपास है। ऐसे हालात में कोरोना से आगे की लड़ाई कैसी होनी चाहिए, ये पीएम के संबोधन का अहम हिस्सा होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।